आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूक्रेन में फंसे 5 भारतीय वापस लौटे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ पहुंचे 5 छात्र। यूक्रेन से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे 5 छात्र, बड़ी खबर सामने आ रही है। बच्चों को एयरपोर्ट पर देखकर परिजन हुए भावुक। बच्चों ने बयां की यूक्रेन की भयावहता की दास्तां। यूक्रेन से रोमानिया, रोमानिया से भारत पहुंचे छात्र। एडीएम एफआर विपिन कुमार मिश्रा भी रहे मौजूद। भारत सरकार से फंसे बच्चों को लाने की अपील की। बच्चों ने बताया यूक्रेन में खाने पानी की काफी दिक्कत। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूक्रेन से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे 5 छात्र। बच्चों को एयरपोर्ट पर देखकर परिजन हुए भावुक। बच्चों ने बयां की यूक्रेन की भयावहता की दास्तां। यूक्रेन और रूस के बीच लगातार जंग जारी है, ऐसे में भारत के जो छात्र हैं, लगभग 2000 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और वहीं इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पे, जहां पर लगभग 6 जो छात्र छात्राएं हैं वो लखनऊ पहुंचे। हमारे साथ कुछ लोग छात्र मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर किस तरह का जो एक्सपीरियंस है वो रहा। क्या नाम है आपका? अंसारी जैनुद्दीन। जैनुद्दीन, लगभग 5 से 6 दिनों के बाद जिस तरह से युद्ध की स्थिति यूक्रेन में बनी हुई है और तमाम परिश्रम के बाद आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसा महसूस है? सर, अब मुझे तो जब मैं यूक्रेन में था तो मुझे बहुत डर लगता था। जितने भी स्टूडेंट सब डरे हुए थे, क्योंकि जब फर्स्ट दिन जब स्टार्ट हुआ तो रशिया वाले ही हर स्टेट में बमबारी किए, जबकि जिस यूनिवर्सिटी में, जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ वहाँ से 10 किलोमीटर दूर की है। जब मैं सुबह उठ के मुश्किल से 1 घंटा पढ़ के बैठा तो मेरा विंडो हिलने लगा, वो बम गिरने के वजह से पूरा बिल्डिंग हिलने लगा। फिर उसके बाद हम लोग अपने ग्रुप में चैटिंग करने लगे कि ये क्या हुआ, भूकंप नहीं आया कि बम गिरा? तो हाँ, सब लोग सोचे कि बम गिरा। तो हम लोग को एहसास होने लगा कि ये जंग स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो वहाँ से हम लोग अपील करने लगे गवर्नमेंट से कि हम लोग को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालना शुरू करिए। लेकिन सरकार का ये है सर कि सरकार उतना मदद नहीं कर पा रही हम लोग को जैसा चाहिए। जैसे हम लोग को बॉर्डर पे शेल्टर होना चाहिए, फूड होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, फूड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, सपोर्टर होना चाहिए, वहाँ पे कोई नहीं। स्टूडेंट खुद अपना लड़ रहा, खुद बॉर्डर पर क्रॉस करके जा रहा और फिर एयरपोर्ट जा रहा रोमानिया। यूक्रेन सरकार की बात की जाए या यूक्रेन कमांडोज की बात की जाए, उनका भारतीय छात्रों के प्रति किस तरह का व्यवहार? जी, व्यवहार अच्छा था लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहे सर। जितने भी आप स्टूडेंट से पूछोगे सब अपने पैसे से बस बुक करके बॉर्डर पहुंच रहे हैं, ना कोई सिक्योरिटी हम लोग को दे रहे हैं कि रास्ते में कोई आर्मी, रशियन आर्मी या यूक्रेनियन आर्मी कुछ टच करे, पूछे या ब्लास्ट करे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो कोई सपोर्टर ही नहीं, ना कोई सिक्योरिटी है। हम लोग ऑलरेडी सिक्योरिटी मांगते हैं तब भी नहीं मिलता है कुछ। अच्छा, अभी फिलहाल कितने लोग जो आपके कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके साथ के छात्र हैं, अभी लगभग कितने लोग वहाँ पर बचे? जिस तरीके से ये वो छात्र थे जो यूक्रेन से यहाँ पर पहुँचे हैं और जिनका साफ तौर से ये कहना है तमाम तरह की परेशानियों के बाद आज लगभग 6 छात्र राजधानी लखनऊ पहुँचे हैं और उनके पेरेंट्स के, अभिभावकों के चेहरे पे काफ़ी खुशी देखने को मिली। और अभी भी फिलहाल लगभग कई छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और सरकार पूरी तरह से उन स्टूडेंट्स को उत्तर प्रदेश या भारत लाने के लिए लगातार तमाम तरह की कवायदों में जुटी हुई है। लखनऊ से अजहर खान, प्राइम टीवी। कंडीशन काफ़ी ख़राब है उधर, लाइक आज आई थिंक खारकीव की तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वेस्टर्न बॉर्डर्स आर ओके बट ईस्टर्न बॉर्डर्स आर नॉट ओके, तो उधर से फर्स्ट इवैक्यूएट करना चाहिए। और बॉर्डर्स पे तो मतलब बहुत ही गंदा हालत है, देयर इज़ नो अरेंजमेंट एट द बॉर्डर्स। फ्लाइट्स के लिए किया था, फिर इधर से बॉम्बे टू लखनऊ भी फ्लाइट्स किया, बट मेन इशू तो लाइक सिटी सेंटर से निकलना है। सिटी सेंटर से बॉर्डर निकलने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि उधर पे लगातार अटैक्स हो रहे हैं और मर्सिनरीज हैं, तो कोई भी निकल ही नहीं चाहता है वहाँ से। बस रोना के अलावा कुछ नहीं लगता। अब यहाँ पर ये आ गई है सकुशल, तो सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे आप? हाँ, मोदी जी ने फिर भी बहुत कुछ किया है हमारे लिए।
बच्चे हमारे बगैर अच्छे से आए हैं, गवर्नमेंट के खर्चे से आए हैं हमारे बच्चे, उनको थैंक यू बोल रहे हैं। और ज्यादा क्या इन लोगों को दूतावास के स्तर पे जो भी बच्चे हमारे यूक्रेन में हैं उन सभी से संपर्क स्थापित करते हुए उनको सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट जो भी नज़दीक के एयरपोर्ट हैं यूक्रेन के अंदर या यूक्रेन की सीमा से लगे देशों में उन जगहों से फ्लाइट के माध्यम से इनको लाया जा रहा है। अभी जो जस्ट फ्लाइट आई है मुंबई में बच्चे जो लोग पहुँच गए थे उनमें से 5 लोग अभी जस्ट यूक्रेन एजेंसी आप सभी लोगों को मुलाकात हुई है। इसी तरीके से दिल्ली से जो लोग उतर रहे दिल्ली की फ्लाइट से जो आ रहे वो लोग भी डायरेक्ट वहाँ से सरकार के द्वारा वाहन करके उनको भेजा जा रहा या दिल्ली की फ्लाइट से लोग यहाँ आ रहे हैं। और अभी जो लोग 5 लोग आए हैं इन सभी लोगों को इनके आवास पे हम लोग लखनऊ के जो लोकल लोग उनको भेजवाएंगे और वो कुछ बच्चे जैसे कानपुर के हैं या गोंडा के हैं जिनके गार्डियन नहीं आ सके वहीं से उनको भी हम लोग अपना वाहन करके उनको उनके आवास तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।